वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दिस चैप्टर इज रिटन बाय एच जी वेल्स। कैन ए साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल? क्या कोई वैज्ञानिक, इनविजिबल मीन्स अनसीन, क्या कोई वैज्ञानिक डिसअपियर हो सकता है, वो लुप्त हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसने ये खोजा कि कैसे हम इनविजिबल बन सकते हैं। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? डिस्कवरी मीन्स इन्वेंशन या खोज। क्या वो अपनी खोज का सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है? द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट होता है विदाउट शूज, नंगे पैर जिसको बोल सकते हो। दो लड़के थे, उन्होंने हैरानी के अंदर कुछ ताजा कीचड़ से भरे हुए जो निशान थे पैरों के, उनका पीछा करना शुरू कर दिया। व्हाट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन? एक नंगे पैर वाला व्यक्ति किसी भी घर की दहलीज के ऊपर लंदन के बीचों बीच क्या कर रहा होगा? एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ है? एज दे गेज्ड, जैसा ही उन्होंने देखा, गेज मीन्स सा, जैसे ही उन्होंने देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, उनकी आंखें हैं, वो एक सीन के ऊपर एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने देखी। ए फ्रेश फुट मार्क अपियर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताजा ताजा पैरों का निशान है, वो कहीं से आता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके बाद कई दूसरे पैरों के निशान उन्होंने देखे। वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद उन्होंने कई पैरों के निशान देखे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो गलियों की तरफ जा रहे थे। द बॉय फॉलोड, लड़कों ने उसका पीछा किया। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स सरप्राइज, वो बड़े ही हैरान थे। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, फेंटर एंड फेंटर मीन्स डिम एंड डिम। जैसे ही उन्होंने उन कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशानों का पीछा किया, वो और ज्यादा डिम और ज्यादा डिम हो रहे थे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली, उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, कहता इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन था वो बड़ा ही सिंपल बात थी उसके पीछे। द बेविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो बेविल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज बच्चे जो थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने एक ऐसी चीज की खोज की थी जिससे कि हम इंसान की बॉडी को ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बना सकते थे। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे आपने शीशा देखा होगा तो शीशे के आर पार हम देख सकते हैं, तो उसने एक ऐसी चीज की खोज की थी जिसके कारण ह्यूमन बॉडी है उसके आर पार हम देख सकते थे, वो हमें पता नहीं लगता था कि वो कहाँ है, और हमें एक प्रकार से उसको अदृश्य मान लेते थे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन ने एक्सपेरिमेंट के बाद प्रयोग करके ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि इंसान की बॉडी को भी हम इनविजिबल कर सकते हैं, अदृश्य कर सकते हैं। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, अंत में उसने कुछ बहुत कम मिलने वाली जो ड्रग्स हैं उनको निगला, स्वॉलोड होता है निगल जाना। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह से हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसके आर पार हम देख सकते थे। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, ग्लास होता है शीशा, हालांकि उसकी बॉडी है वो शीशे की तरह से हमारे सामने तो होती थी लेकिन हम उसकी बॉडी के आर पार देख सकते थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर ए लालेस पर्सन, हालांकि ग्रिफिन है वो एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था लेकिन वो एक कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका लैंडलॉर्ड, उसका मकान मालिक है वो उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसने उसको घर से निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट हिज हाउस टू द फायर, उससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में ही आग लगा दी। ही गेट अवे विदाउट बींग सीन, ओके, वो वहां से बिना दिखे भाग गया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको इसके लिए अपने कपड़े निकालने थे। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लॉथ्स विदाउट मनी
एंड क्वाइट इनविजिबल। इस प्रकार से वो एक वॉन्डरर, वॉन्डरर मीन्स ए पर्सन हु मूव्स हेयर एंड देयर विदाउट एनी एम, वॉन्डरर घुमक्कड़ व्यक्ति एक वो बन गया जिसके पास ना तो कपड़े थे ना ही पैसे थे और वो दिख भी नहीं रहा था, एंड क्वाइट इनविजिबल, वो किसी को दिख नहीं रहा था, अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मुड मट, और उसके पैर हैं वो कीचड़ के अंदर चले जाते हैं, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उसके पैरों के निशान हैं वो लगते जा रहे थे जैसे कि वो चल रहा था। ही एस्केप्ड स्पेशली फ्रॉम द बॉयज, वो लड़कों से भाग जाता है, बच जाता है, एंड फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो कि बच्चे उसके फुटप्रिंट्स का लंदन के अंदर पीछा कर रहे थे, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, हालांकि उसके जो एडवेंचर्स हैं उसके साहसिक कारनामे हैं वो अभी खत्म नहीं हुए थे। ही हैड चोजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, उसने लंडन के अंदर बड़ी सर्दी का मौसम चुना था घूमने के लिए और वो भी बिना कपड़ों के, इट वॉज मिड विंटर, सर्दी का मौसम था, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बड़ी ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बिना रह नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म्थ, वार्म्थ होता है गर्मी। तो क्या है कि लंदन की गलियों के अंदर है वो घूमने की बजाय उसने एक लंदन के बड़े स्टोर के अंदर गर्मी के लिए जाने की सोची। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस स्टोर का बंद होने का समय आ गया था, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीलिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। कहता है उसके बाद ग्रिफिन ने वहां मजे से कपड़े पहने, ठीक है, कपड़े उठा के पहन लिए और उसने बिना पैसे दिए ही कपड़े उठा लिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने कई बॉक्सेस तोड़ दिए, उनके ताले तोड़ दिए, एंड रैपर्स, कई रैपर्स हैं वो खोल दिए, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ, और वो गर्म गर्म कपड़े पहन करके वहां से निकल आया। सून विद शूज, थोड़े समय बाद उसने जूते भी पहन लिए, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट भी पहन लिया, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक हैट, एक टॉप, ठीक है, ब्रिम्ड हैट पहन लिया। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस, उसने अच्छी तरह से कपड़े पहन लिए, एंड विजिबल पर्सन, और वो एक विजिबल दिखाई देने वाला व्यक्ति है वो बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, उसके बाद में रेस्टोरेंट की किचन में जाता है और उसको ठंडा मीट मिलता है, एंड कॉफी, उसने कॉफी पी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, उसने मिठाइयाँ खाई, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ की जो ग्रोसरी थी उस बड़े स्टोर की वहाँ से उसने शराब भी पी। Finally he settled down to sleep on a pile of quilts, और अंत में वो गद्दों के एक ढेर के ऊपर है वो बैठ गया सोने के लिए। Next, what will happen? Okay, we will read in the next video. Thanks for listening and have a nice day.